सीमा कनौजिया, स्वागत है आपका नेशनल बुलेटिन में। भारत के तिरुवनंतपुरम से कई एमिरेट्स की फ्लाइट नंबर AK521 की दुबई एयरपोर्ट पर क्रैश लैंडिंग हुई। हालांकि इस दुर्घटना में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई और सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। दुबई सरकार के मीडिया ऑफिस ने ट्वीट कर इस घटना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि घटना के बाद संबंधित अधिकारी एयरपोर्ट पर मौजूद थे और किसी के भी आहत होने की खबर नहीं है। इस फ्लाइट में 275 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। इस घटना के बाद से दुबई एयरपोर्ट से जाने वाली सभी फ्लाइट्स लेट हो गई। ये तिरुवनंतपुरम से दुबई की फ्लाइट थी। स्थानीय समय के अनुसार 12:45 पर विमान की क्रैश लैंडिंग हुई। इस घटना के बाद दुबई एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। वाराणसी में रोड शो करने की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अचानक तबीयत खराब हो गई और उन्हें रोड शो बीच में ही छोड़कर दिल्ली लौटना पड़ा। सोनिया गांधी ने कहा कि वो काशी विश्वनाथ के दर्शन करने वापस आएगी। सोनिया गांधी को बीती रात सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 69 वर्षीय कांग्रेस अध्यक्ष को बीती आधी रात के आसपास चार्टर्ड विमान से यहां लाया गया था। तबीयत खराब होने के कारण उन्हें वाराणसी में 8 किलोमीटर का रोड शो बीच में ही छोड़ना पड़ा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 29 जुलाई को मां बेटी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के बाद सरकार कानून व्यवस्था को लेकर कटघरे में है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी इस्तीफे की मांग की जा रही है। इन सबके बीच राज्य अपराध ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि पिछले एक वर्ष में दुष्कर्म की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। राज्य अपराध ब्यूरो के आंकड़े के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पिछले एक साल से 2014 से 2015 में दुष्कर्म के मामलों में लगभग 100% से अधिक की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश राज्य अपराध ब्यूरो की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 2014 में उप्र में दुष्कर्म की 3,467 घटनाएं हुई थी, जबकि 2015 में ये बढ़कर 9,075 हो गई। नरेंद्र मोदी सरकार और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने एक दूसरे पर आमतौर से बरसते रहने की परंपरा को दरकिनार करते हुए बुधवार को संसद में एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधे। राज्यसभा में ऐतिहासिक जीएसटी बिल के लिए संविधान संशोधन बिल पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी को लेकर सहमति पर पहुंचने के लिए कांग्रेस का शुक्रिया अदा किया। दूसरी ओर अरुण जेटली से पहले वित्त मंत्री रहे कांग्रेस के पी चिदंबरम ने अरुण जेटली के दोस्ताना भाषण के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। चिदंबरम ने कहा कि कांग्रेस जीएसटी के आइडिया के विरुद्ध कभी नहीं थी। ढेरों केंद्रीय व राज्य करों के स्थान पर लागू होने वाले जीएसटी का ड्राफ्ट प्रस्ताव चिदंबरम की पार्टी ने ही सत्ता में रहते हुए तैयार किया था। हालिया महीनों में कांग्रेस द्वारा इसका विरोध किए जाने का बचाव करते हुए चिदंबरम ने कहा कि जीएसटी का अर्थ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं है, इसका अर्थ गुड्स एंड स्टाम्प्स भी है। हमारी मांगे मान लेने के लिए धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे कुछ और खास खबरों की तरफ। उम्मीद आपकी, प्रयास मेरा, भरोसा आपका, संघर्ष मेरा, आपके सुख दुख का साथी, सपना आपका, संकल्प मेरा, एक ही वायदा, एक ही इरादा, सबसे अच्छा हो वार्ड नंबर 40 हमारा। नववर्ष 2016, मकर संक्रांति, लोहड़ी व गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। क्या आप सेक्स समस्याओं से परेशान हैं या परेशान हैं गुप्त रोगों से? क्या आपको परेशान करती है दौरा, मिर्गी, श्वास, गठिया, वाय, सफेद दाग, जोड़ों का दर्द जैसी बीमारियां? तो फिर क्यों होते हो परेशान? क्योंकि हमारे पास है आपकी इन समस्याओं का समाधान। तो चले आइए, सेक्स समस्याओं, शुक्राणु की कमी, धात जाना, निसंतान, ल्यूकेरिया, नाम मर्दी, बवासीर जैसी बीमारियों के सफल इलाज एवं सुखी विवाहित जीवन के लिए डॉक्टर सागर से मिले। हरियाणा सरकार द्वारा रजिस्टर्ड डॉक्टर सागर क्लिनिक समिति, रसूलपुर फाटक, पलवल। संपर्क करें 8397002464। जीवा आयुर्वेद लाया है आपके लिए कुछ विशेष उत्पाद। रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश, हनी व एलोवेरा जूस, जोड़ों के दर्द के लिए पेन काम ऑयल, बालों को स्वस्थ व सुंदर बनाने के लिए ब्लैक पर्ल व नीम शैम्पू, महिलाओं में मासिक स्राव, हार्मोन्स और फर्टिलिटी को संतुलित रखने के लिए नारी सखी कैप्सूल्स, त्वचा के प्राकृतिक निखार व सुंदरता को बढ़ाने के लिए फेयरनेस किट, रोज वाटर प्लेन, सेफ्रॉन व टर्मरिक क्रीम। तो आज ही जीवा आयुर्वेदा के इन उत्पादों को अपनाएं और अपना जीवन स्वस्थ, सुंदर व सफल बनाएं। लॉग ऑन करें store.jeeva.com या संपर्क करें अपने नजदीकी रिटेलर पर।
इंग्लिश मीडियम बोहरा पब्लिक स्कूल इज लोकेटेड एट ईस्ट चावला कॉलोनी इन बल्लभगढ़। दिस स्कूल एंड एफिलिएटेड ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। The well qualified and experienced teachers of the school devote all their attention to develop the academic interest and other skills of the students. At the same time, they are particular in enhancing the character building and blossoming the innate skills of the students. Indeed, the Bohra Public School has excellent ambience for the promising students with immense scope for personality development of its students. Needless to add, the school possesses maximum modern facilities of model school. So let your wards join the innovative and favorable climate of Bohra Public School. We welcome you. जो करनी हो खरीद बिना मिलावट के पौष्टिक स्वादिष्ट और विशुद्ध खाद्य पदार्थों की और बिना साइड इफेक्ट वाले सौंदर्य प्रसाधनों की, या जब करनी हो खरीद विशुद्ध आयुर्वेदिक दवाइयों की, तो क्यों जाना कहीं और जब खुल गया हो शहर में पतंजलि मेगा स्टोर। हमारा पता है 5M113 BKKC रोड दयानंद विमेन कॉलेज के सामने। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9818067393, लैंडलाइन नंबर 01292431999। ब्रेक के बाद रुक करते हैं नेशनल बुलेटिन की कुछ और खबरों की तरफ। एसोल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बुधवार को राज्यसभा के सांसद के तौर पर शपथ ली। राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन ने सदन की बैठक शुरू होने पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा को उच्च सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने हिंदी में सांसद पद की शपथ ली। सदन में मौजूद सदस्यों ने मेज को थपथपाकर उनका स्वागत किया। मीडिया जगत की जानी मानी हस्ती सुभाष चंद्रा हरियाणा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। वैसे सुभाष चंद्रा के सांसद बनने का पूरा किस्सा विवादों से भरा रहा है। उनके चुनाव के दौरान पेन बदले जाने के चलते 13 वोट रद्द हो गए थे, जिनकी बदौलत वो सांसद बनने में कामयाब हुए। आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय पर सांसद भगवंत मान की जासूसी का आरोप लगाया है। पार्टी ने बुधवार को दावा किया कि जब भगवंत मान बेंगलोर में स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, तब गृह मंत्रालय के दो अफसरों ने भगवंत मान के बारे में पूछताछ की। आपके नेता आशुतोष का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री के पास और कोई काम नहीं बचा है, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं की जानकारी इकट्ठी करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। उन्होंने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि देश में आतंकवाद हो रहा है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों में उनकी दिलचस्पी नहीं है। बरेली, उत्तर प्रदेश के बरेली में स्कूल जा रही टीचर को किडनैप कर बंदूक की नोक पर गैंगरेप की वारदात सामने आई है। बदमाशों ने गैंगरेप का वीडियो बनाया और अश्लील फोटो भी खींची। आरोपियों ने पीड़िता को मुंह खोलने पर वीडियो फोटो इंटरनेट पर डालने की धमकी दी। इसके बाद उसे खेत में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं आईजी ने एसओ सीबीगंज राकेश सिंह सस्पेंड कर दिया है। 18 से 25 साल तक के ये आरोपी है। गैंगरेप के बाद किसी तरह घर पहुंची पीड़िता ने मां को आपबीती सुनाई। पीड़िता की मां ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ बयान दिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने शिकायत तो ले ली, लेकिन मामला दर्ज नहीं किया। खबर मीडिया में आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। नेशनल बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए BBM News के साथ। नमस्कार।